शिवा किचन बाई स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉर्न के कुरकुरे बनाने जा रहे हैं, जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा कुरकुरे क्या होते हैं, हम आपको आज बताते हैं। ये एक कटोरी मैंने ये कॉर्न के लिए, ये अब हम क्या करेंगे, इसको एक डिब्बे में आधा ग्लास पानी डालकर फ्रिज में थोड़ी गैस के ऊपर रखेंगे, इसको 10 मिनट तक उबालेंगे, फिर इसके कुरकुरे बनाएंगे। ये अब इसको हम 10 मिनट तक उबालेंगे फिर बनाएंगे कुरकुरे। अब देखो हमारे 10 मिनट हो गए हैं, देखते हैं उबले कैसे। ये देखो हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, देखो दाना, अब ये दाना अब कच्चा हो गया। अब कच्चे को हम क्या करेंगे, अब इसमें हम छान लेंगे, पानी निकाल देंगे सारा। ये बहुत ही स्वाद बनते हैं, दोपहर को आप खाने के बाद खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हो। अब इसको इसमें डाल देंगे, डाल दिया। अब इसमें हम क्या डालेंगे, नमक, ये हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे, काला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये धनिया, मरा धनिया का पाउडर बनाया हुआ घर में, ये भी हम आधा चमचा डालेंगे। अब क्या करेंगे, ये कॉर्न फ्लोर के 2 चमचे सिर्फ डालेंगे, सिर्फ 2 चमचे, बस 1-2। अगर देखो इसको डाल के थोड़ा पतला बनता तो 1 डाल सकते, नहीं डालना। अब इसको मिला दो अच्छी तरीके से, ऐसे मिलाते जाओ, 1 चम्मच और डाल दो। अब इसको अच्छी तरीके से मिला दो, अब क्या करेंगे, हम गैस ऑन की हुई है, उसके बीच में रिफाइंड डालो, कोई भी रिफाइंड डाल लो, फिर तेज आंच पे करना, इसको धीमी आंच पे नहीं, तेज आंच पे इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर मिला लिया, अब देखना ये सारे कुरकुरे बन जाएंगे। थोड़ा सा लाल हो जाएंगे, इसको हम निकाल देंगे, इसको हम बोलते कुरकुरे। ये किसी टाइम भी आप खा सकते हैं, आप भी बनाकर देखो किचन में जाकर कैसे कितने स्वाद बनते हैं। ऐसे इसको लाख दे जाओ ताकि ये सारे पक जाए अच्छे तरीके से। अब और थोड़ा सा पका देते हैं ताकि कच्चा ना रहे हमारा। इसको हिलाते जाओ तरीके से, कच्चे नहीं रखने का, सब लाने का मतलब ये है ऐसे करने का, ये कच्चे ना रहे। ये देखो एक दाना हम खाकर टेस्ट करते हैं, पक गया दाना। अब इसको हम निकाल देंगे, बहुत ही स्वाद है। इसको नीचे पेपर रख के ऊपर निकालो ताकि जितना तेल है ये पेपर पकड़ लेगा। देखो
इसको झटपट इसको ऐसे बिखेर दो साथ में टिक्के हिलाते जाओ। आंच को धीमे नहीं रखना, हमें आंच को तेज ही रखना है, तेज आंच में पकेंगे। इसको बनने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम चाट मसाला डालेंगे और कश्मीरी मिर्च डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर खाएंगे। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये बच्चे भी बड़े खुश होकर खाते हैं, बड़े भी खुश होकर खाते हैं। फ्री होके जब भी मर्जी खाओ। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना कैसे तैयार होते हैं, कैसे स्वाद बनते हैं। अब हमारे ये तैयार हो गए। अब इसको हम आंच करेंगे बंद, इसको निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सूखे बर्तन में इसको डालेंगे। पोंछ के सूखा बर्तन में डाल, जैसा तेल ये पकड़ लेगा। पकड़ लिया तेल ने, चलो अब जैसे कुरकुरे जो है हमारे इसमें डाल देंगे सारे। हमारे कुरकुरे हो गए। अब इसमें देखो क्या क्या डालते हैं हम लोग। ये तो डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च, इससे क्या होगा, रंग लाल बनेगा, स्वाद बनेगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला, फिर डालेंगे काला नमक। अब देखना इसका स्वाद कैसे होता है। सारा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लो और ये हमारे हो गए कुरकुरे तैयार। ये हमारे पॉपिंग कुरकुरे तैयार हुए हैं। आप भी बनाकर देखो, खाकर देखो और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।